वेल गुड आफ्टरनून अस्सलाम वालेकुम, इट्स आई मंसूर। सो हम अपने YouTube चैनल पे अपनी सीरीज को आगे बढ़ाने आए हैं, जो कि हमारी टेंस की सीरीज थी। टेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट सिंपल को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। रेलवे हो गया और हमारा MBA हो गया, BBA हो गया और कोई भी स्टेट का एग्जाम, यूपी, बिहार या फिर UPSC, SSC, रेलवे या बैंक लग, कोई सा भी एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर 20 नंबर की ग्रामर तो आती है, जिसके अंदर आपकी ग्रामर के अंदर कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर 4 टेंस के पॉइंट बताए थे प्रेजेंट सिंपल के, जिनको आप पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए। अब हम अपनी दूसरी वीडियो को शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको 6 पॉइंट प्रेजेंट सिंपल के और बताने वाला हूं। मतलब प्रेजेंट सिंपल को 10 पॉइंट कवर करेंगे। प्रेजेंट सिंपल अपने आप में इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इतना बड़ा टेंस है, तो बिना पकाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। सो मैं आपको 5वां पॉइंट बताता हूं प्रेजेंट सिंपल का क्या है। 5वां पॉइंट है, इस टेंस का यूज मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस और फीलिंग्स को बताने के लिए होता है। जैसे कि वी बिलीव इन गॉड, ही अंडरस्टैंड्स माय प्रॉब्लम, आई थिंक शी इज ऑलवेज रॉन्ग। देखो आई थिंक कभी भी सिंपल सेंटेंस मतलब ऐसे यूज नहीं होगा। आई थिंक उसके बाद एक सेंटेंस आपको लगाना ही पड़ेगा, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई थिंक करके आप नहीं छोड़ोगे कभी भी। आई थिंक करके सेंटेंस मतलब थिंक के आगे आपको एक सेंटेंस एक क्लोज और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, थिंक का यूज कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं होता, आई एम थिंकिंग नहीं होगा, ठीक है। एक तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, शी इज ऑलवेज रॉन्ग, ये जो रॉन्ग जो है यहां पर वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट सिंपल का ही टेंस है। आप कहोगे सर यहां पर तो इज आ रहा है, ठीक है मान लेते हैं यहां पर इज आ रहा है, लेकिन यहां पर ये एडजेक्टिव है। जब सेंटेंस के लास्ट में एडजेक्टिव और नाउन आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल ही होता है, चाहे उसके अंदर इज एमआर यूज क्यों नहीं हो रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होने के लिए इसके अंदर मैन वर्ब का होना जरूरी है, मैन वर्ब मतलब एक्शन वर्ड का होना जरूरी है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड, मैं बाहर जा रहा हूं, गोइंग टू आउटसाइड, मैं छत पे जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू रूफ, मतलब एक्शन वर्ड का होना जरूरी है। जैसे अगर मैं कहूं कि आई एम अ टीचर, तो एम आई गेस के अंदर टीचर कोई एक्शन नहीं है ना, तो इसके अंदर मतलब ये स्टेटिव वर्ब है। ये क्या कहलाते हैं यहां पर, स्टेटिव वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है स्टेट को बताना, कंडीशन को बताना, स्टेटस को बताना, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी हम सेंटेंस को यूज करते हैं, जैसे मैं बोलूं कि शी इज माय मदर, तो यहां पर इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, स्टेटिव वर्ब है, वो बता रहा है कंडीशन स्टेटस को कि वो मेरी माँ है, ठीक है। और जो उसके लास्ट में जो वर्ड आएंगे वो एडजेक्टिव और नाउन होंगे, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद आई नो डैट यू कैन नॉट डू डैट, मुझे पता है कि तुम वो नहीं कर सकते, ठीक है। इमोशन, फीलिंग्स और मेंटल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ सेंटेंस, शी ट्रस्ट इन हिम। ट्रस्ट के और बिलीव के बाद हमेशा इन आता है, ठीक है, ध्यान रखना। इन दोनों का आपस में एंगेजमेंट हुई भी, शादी हुई भी, अलग नहीं होते, ठीक है। अब मुझे आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि वी बिलीव इन गॉड मेंटल एक्टिविटी, इमोशन है, फीलिंग्स है, इसके आगे आपको खुद कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे करके बताना है, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको कितनी बेहतर तरीके से चीजें समझ में आई है, ठीक है। चलते अपने 7वें 6वें पॉइंट पर। 6वां पॉइंट क्या है हमारा, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लोज का यूज होता है। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, एक तो होता है इसके अंदर सबॉर्डिनेट क्लोज, दूसरा होता है प्रिंसिपल क्लोज। सबॉर्डिनेट क्लोज को प्रेजेंट सिंपल कहा जाता है, प्रिंसिपल क्लोज को फ्यूचर सिंपल कहा जाता है। सबॉर्डिनेट क्लोज में क्या क्या आता है, इफ आता है, वेन आता है, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट है। प्रिंसिपल क्लोज जो है वो फ्यूचर सिंपल होता है, कौन सा होता है, वो फ्यूचर सिंपल विल वाला सेंटेंस होता है, ठीक है। जैसे कि इफ यू रन फास्ट, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सो घुसेड़ देते हैं इसके अंदर, सो तो मतलब वो तो वाली इंग्लिश के साउंड निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जब भी कंडीशनल सेंटेंस होता है तो इफ या वेन से, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देके बता रहा हूं, नीचे जूम कर देना भाई, ठीक है। इफ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज दौड़ोगे, और दोनों की जो हिंदी निकलेगी फ्यूचर में निकलेगी, इफ यू रन फास्ट यू विल विन, तुम जीत जाओगे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, वेन यू कम, जब तुम आओगे, आई विल टीच, ठीक है। मतलब ये वेन और एक जो है सबॉर्डिनेट क्लोज के इंडिकेट कर रहे हैं सबॉर्डिनेट। जैसे कि मैंने आपको 6 रूल तक बता दिया, चलते अपने 7 रूल पर। हेयर और देयर वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं। मतलब हेयर और देयर एक दो ऐसे वर्ड है जिनको जो फ्यूचर के साउंड देते हैं, लेकिन उनको बनाना किसमें, प्रेजेंट सिंपल में। जैसे कि हेयर कम्स द बस, यहां बस आएगी, देयर गोज द बस, वहां बस जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने 8वें पॉइंट पर। आंखों देखा हाल बताने के लिए, रेडियो से आप कुछ सुन रहे हैं या टीवी पर आप कुछ देख रहे हैं या फिल्म आप देख रहे हो और किसी को लाइव बता रहे हो उसको, तो आप प्रेजेंट सिंपल में बनाओगे, जबकि वो उसके साउंड फ्यूचर में, उसके साउंड जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में निकलेंगे और निकलेंगे पास्ट सिंपल में। जैसे कि एग्जांपल देखिए,
धोनी रन्स आफ्टर द बॉल, आफ्टर होता है किसी चीज के भागना, किसी चीज के पीछे भागना, मतलब धोनी बॉल के पीछे भाग रहे हैं, कंटिन्यू, लेकिन बन किस में रहा है प्रेजेंट सिंपल के अंदर, कैचेस इट पास्ट इंडेफिनिट है लेकिन बना किस में प्रेजेंट सिंपल में, एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स, और उन्होंने स्टंप्स पे देकर मारा, प्रेजेंट सिंपल है लेकिन बना किस में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल के अंदर है लेकिन बना किस में प्रेजेंट सिंपल के अंदर। अब चलते हैं अगले सेंटेंस के पास, इन दिस फिल्म माई एल्डर ब्रदर प्लेज अ हीरो रोल, मतलब इस मूवी के अंदर मेरा भाई जो हीरो का रोल प्ले कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लेकिन बना किसमें प्रेजेंट सिंपल के अंदर। अब चलते हैं नवे पॉइंट के अंदर, ऑथर के स्टेटमेंट को बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है, ऑथर के स्टेटमेंट मतलब जैसे कि शेक्सपियर ने कह दिया है तो पास्ट लेकिन कहा किसमें जाएगा प्रेजेंट सिंपल में, जैसे कि शेक्सपियर सेज, ठीक है सेड नहीं होगा। अब चलते हैं दसवें पॉइंट पे हमारे, हिस्ट्री के पास्ट इवेंट को बताने के लिए, जो हिस्ट्री में हो गया है, जो हिस्ट्री में हो गया है उसके पास्ट इवेंट को बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है, जैसे कि अंत में राम ने रावण को मार दिया, पास्ट में साउंड आ रहे हैं लेकिन बनेगा किसमें प्रेजेंट सिंपल में, एट लास्ट रामा किल्स रावणा, ठीक है देखो मतलब कि पास्ट इवेंट को बताने के लिए जो हिस्ट्री में हो गए यादगार उनको प्रेजेंट सिंपल में ही बनाया जाता है। तो ये थे हमारे प्रेजेंट सिंपल के 10 यूज, आपको कैसे लगे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।